में इसकी रोल 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 पूनिया जी, 2022 करीब है, चुनावी सभाएं शुरू हो गई हैं, तो किस तरीके से आप क्या रणनीति आपकी 2022 के लिए? आम आदमी पार्टी क्या करती है, पिछले 6 महीने से जगह जगह जा रही है जनता के बीच में, जनता को बता रही है कि हम पावर में आने के बाद में किस प्रकार से जो एजेंडा है, जो मैनिफेस्टो में जो हम लिखेंगे उनको कैसे जमीन पर अमल करेंगे, और साथ में जनता से बात कर रही है। आप बताओ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने एजेंडा में अपने मैनिफेस्टो में डाल सकते हैं। तो इससे मेरा बहुत ज़्यादा समस्या तो ये आ रहा है कि महिलाएँ जैसे बोल रही हैं, हमारे में शक्ति है, हम काम कर सकती है, हम दिन भर खेती कर सकती है, जंगलों में जा सकती है, अपने बच्चे का पालन कर सकती है, पोषण कर सकती है, लेकिन हमें ना ये नहीं समझ में आता कि उसका भविष्य कैसे आगे ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो समस्या ये आ रही है, हर कोई चाहता है कि कम से कम हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, और इसमें रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। फिर उसके बाद में आ रहा है शिक्षा, फिर आ रहा है स्वास्थ्य, क्योंकि जनता के जो आए हुए मुद्दे हैं इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। बिजली पानी, सबको पता है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा होती है, टीरी डैम यहाँ पे था। अब दिल्ली जैसी जगह में, क्योंकि उत्तराखंड की भव्य भी बहुत है, दिल्ली जैसी जगह में अगर 200 यूनिट बिजली मिल सकती है, उत्तराखंड में तो बिजली के बगैर बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, वो जनता की एक जरूरत है, उनकी चिंता है, उसको लेकर के हम आगे चल रहे हैं। इस प्रकार से जनता के बीच में जाकर के हम अपने डिस्कशन करके और अपने इलेक्शन का मैनिफेस्टो तैयार करें। जिस तरीके से आज कांग्रेस में गुटबाजी सामने आई है, एक दूसरे से मारपीट हुई है, उस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया क्या रही है? मेरे को ना ऐसी पूरी जानकारी नहीं, पर ये पता चला, बड़ी अजीब सी बात है आज, और वो नेता लोग भी पता है कितने बड़े हैं, जो पार्टी जिन पार्टी की लड़ाई हुई आपस में, वो यहाँ के अपने को मुख्यमंत्री की लेवल पर देखते हैं, और कहीं ना कहीं वो पावरफुल, सबसे पावरफुल कांग्रेस के नेता भी रहे। जनता के बीच में यहाँ पे ओपनली दिख रहा है, और वहाँ मारपिटाई हो रही है आज के ज़माने में, और मारपिटाई भी आपस में पार्टी के अपने ही विचारों में, तो ये तो साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का सीट से नेतृत्व है, वो तो यहाँ से उनके जो जूनियर हैं वो चाहते हैं कि पत्नी। अब ये मेरे को पता चला है कि सबको प्रीतम सिंह जी का जो गुट है, हरीश रावत जी का जो गुट है, कांग्रेस में जो अलग जो गुट है, सबको केंद्र ने अपने यहाँ पर बुलाया, मतलब गाली देगा और क्या करेगा, इलेक्शन आने वाले हैं, गाली तुम्हारे इतने गुट हैं ऊपर तो तुम्हारा। हाँ कुटिया जी, एक वीडियो कल से वायरल हो रहा है शाम से, उसमें आपका आरोप क्या कहना है? कहना कुटिया में तो आरोप नहीं आएंगे, देखो सीधी सी बात है, एक कहावत होती है कि अगर टारगेट है ना सामने दुश्मन, और आप उस पर जा रहे हो एक फौज की टुकड़ी, और सामने से गोली नहीं चलती, इसका मतलब या तो